Hey guys, it's Jannat. It's Kritleen. Welcome back to Sidhu Vlogs. तो गाइज बहुत सारी रिक्वेस्ट के बाद हम लेके आए हैं शाहिद अफरीदी का होम टूर. तो गाइज ओरिजिनल वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां से वो चेकआउट कर सकते हैं. और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन. आजो आजो सारे आजो. शायद अफरीदी को लाला बोलते हैं सब. लाला दोस्तों, अंदर चलते हैं, जरा गपशप लगाते रहेंगे. कुछ अपनी अचीवमेंट दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, ताकि आप लोग मोटिवेट भी और मेरी मेहनत का भी आप लोग अंदाजा लगा सकें. आ जाए प्लीज. ये तकरीबन दो ढाई ढाई साल हो गए इस घर को बनाया है. यहाँ पे बहुत अच्छा एरिया डिफेंस का, फेज एट का. पीछे की तरफ यहाँ पे समंदर भी है और दो मिनट की ड्राइव है यहाँ से. मोइन खान क्रिकेट एकेडमी बहुत करीब है, जो कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है. वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं एकेडमी के अंदर. एक बहुत अच्छा एरिया, बहुत रिलैक्सिंग जगह है. ये मेरा बेसमेंट है, यहाँ पे दोस्त वगैरह आ जाते हैं तो दोस्तों के साथ टाइम गुजरता है. यहाँ पे बहुत अच्छा टाइम गुजरता है यहाँ पे दोस्तों के साथ. यहाँ पे टेबल टेनिस भी खेल लेते हैं हम लोग, पूल भी खेलते हैं. टेबल टेनिस के शौक है मेरे कुछ दोस्त, बहुत शौक से खेलते हैं और अच्छा लगता है. उनके साथ कंपनी भी होती है हमारी और आपस में आई साइड के लिए बहुत अच्छी गेम है ये. सईद भाई मुझे बताते थे, सईद अनवर, के टेबल टेनिस जो है ना आई साइड के लिए बहुत अच्छी है, तो मज़ा आता है टेबल टेनिस का. गेम स्पोर्ट्समैन जो होता है वो किसी भी गेम को जो है ना वो बहुत इंजॉय करता है. इम्पॉर्टेंट है अपने आप को सिर्फ क्रिकेट की हद तक नहीं महदूद करना, हर चीज़ खेलनी है. और जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, और यस, जैसे बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं गोल्फ बहुत ज़्यादा शौक से खेलते हैं वो सारे. गोल्फ का एक्सपीरियंस भी मेरा बड़ा ज़बरदस्त रह चुका है बॉब वुलमर के साथ एक दफ़ा इंग्लैंड में. लेकिन मुझे इंडोर गेम ज़्यादा पसंद आते हैं. ये हो गया पूल, हो गया बिलियर्ड, और ये इस गेम का अपना हकीकत में तो अपना मज़ा है. चलो हकीकत में अपना मज़ा है, लेकिन इस गेम में भी आप छक्का मार सकते हैं. यहाँ पे कुछ शर्ट्स वगैरह हैं जो बड़े काफी बड़े प्लेयर्स की शर्ट्स हैं मेरे पास, उनसे ली है या दी गई. संगकारा वन ऑफ द टॉप श्रीलंकन बैट्समैन, वो है मेरे साथ मेरे बेसमेंट में. एंड देन वन एंड ओनली मेरा फेवरेट बहुत ज्यादा विराट. पूरी शर्ट उसने सारे इंडियन प्लेयर्स की शर्ट साइन करके दी है. जब 2015 T20 को वर्ल्ड कप चल रहा था मेरे ख्याल में, यस, उस वक्त मैंने उससे रिक्वेस्ट की थी. मे बी किसी फाउंडेशन का जब मेरा इवेंट होगा तो वहाँ पे इसके ऑक्शन वगैरह कराएंगे, जहाँ हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हो फाउंडेशन के. इसके अलावा ये एक मैन ऑफ द मैच है, ये है 2000 सीरीज थी हमारी, सो मैन ऑफ द मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ही था यार मेमोरी में, ज़रा थोड़ा सा मैच होना. हाँ ऑस्ट्रेलिया ही था, यस. ये वॉनी ने दी थी, लेजेंड ऑल टाइम ग्रेट बॉलर मेरे ख्याल में, कादिर भाई की तरह. कादिर भाई के बाद अगर किसी ने लेग स्पिन के अंदर दुनिया को हिलाया है सारे टॉप बैट्समैन को, तो ही इज द गाय. एंड देन वन ऑफ माय अनदर फेवरेट क्रिकेटर, ऐसे शॉट्स मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखे जो इस बंदे ने शॉट्स मारी हैं, जो क्रिकेट के अंदर जितनी स्किल्स को डेवलप करने में इस बंदे का हाथ है मेरे ख्याल में वन ऑफ द बेस्ट. इसने हमारा रिकॉर्ड भी, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ा इसने. एंड देन फिर इसको रहने दें, इसका बताने का फायदा नहीं है. यूनुस खान हमारा खान, बहुत ही ज़बरदस्त लड़का और बड़े कम मेहनती लड़कों को मैंने देखा है.
उनमें से एक ये यूनुस खान है। ये वर्ल्ड 11 की शर्ट हमारे वर्ल्ड 11 के मैच हुए थे, लॉर्ड्स के अंदर हुए थे हमारे, उसमें वर्ल्ड 11 की थी। इसमें ये मेरे साइन है, तमीम इकबाल, वीरू और सहवाग, इसमें और कौन है, केपी है, युवराज है, गिलक्रिस्ट है, सचिन है, वन ऑफ माय फेवरेट, सचिन इंडिया को देख के खुश हो जाता लग रहा है मुझे मेरे ख्याल में। बाकी ये छोटी मोटी ट्रॉफीज हैं, मैन ऑफ द मैचेस की, मैन ऑफ द सीरीज की, बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस की, या पाकिस्तान की शर्ट। सच अ हंबल मैन। ये मैंने वैसे अपनी फाउंडेशन के लिए लिए, यहाँ पे रखने के लिए नहीं, मैंने खुद खरीदी है पीसीबी से अपने फाउंडेशन के लिए। जब पाकिस्तान टीम जीती थी 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी, तब ये शर्ट सारे प्लेयर्स के साइन है। अच्छा जी, ये भी 2017 का बैट है, ये भी मैंने ऑक्शन के अंदर लिया था। इसमें सारे पूरी पाकिस्तान टीम के साइन हैं। अनदर हमारी ट्रेनिंग शर्ट, प्रैक्टिस शर्ट, शोएब मलिक जब हमारा कप्तान था, यूनुस खान, मायसेल, उस टीम में तो बहुत सारे मोहम्मद यूसुफ, इमरान नज़ीर, कामरान अकमल, फवाद आलम, अब्दुल रहमान, उमर गुल, राव इफ्तिखार, शोएब अख्तर एंड मिस्टर मिसबाउल हक। मेरे पास छोटे छोटे सुवेनियर्स हैं यहाँ पे। एंड देन हमारे पठानों की एक रिवायत है, नीचे बैठ के हम खाना खाते हैं, दोस्त यार आते हैं नीचे बैठते हैं हम लोग सारे साथ, तो अच्छा मज़ा आता है मुझे नीचे बैठ के दोस्तों के साथ या नीचे बैठ के खाना। जिन्होंने पेंट शर्ट में आते, जिनसे नहीं बैठा जाता, उनको ऊपर बिठाता हूँ। तो यहाँ पे ये वर्ल्ड हमारी सीरीज हुई थी बिटवीन इंग्लैंड एंड पाकिस्तान, नेटवर्क सीरीज थी 2010 की थी, जिस जहाँ पे बहुत बड़े इश्यूज हुए थे। खैर मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है कि इंग्लैंड में क्या हुआ था, जैसे सारे इंग्लैंड और पाकिस्तानी प्लेयर्स के साइन हैं। बाकी सारे ट्रॉफीज़ हैं, मैन ऑफ द मैचेस हैं, मैन ऑफ द सीरीज़ है, T20 भी है इसके अंदर और ODIs भी है। अच्छा जी, इसके अलावा और क्या है, और क्या है, इसी तरह की चीज़ें हैं। ये बैट्स हैं, तीन बैट्स हैं मेरे अलावा, जो दो बड़े नाम हैं इमरान भाई, इमरान खान एंड वसीम अकरम, उनके साइन हैं इस पे। एंड देन फिर मैन ऑफ द मैच एशिया कप 2014, मास्टर ब्लास्ट, ओके बस। उसके अलावा ये छोटी मोटी सुवेनियर्स यहाँ पे मैंने रखे हुए, तो एक छोटा सा माहौल बनाया, थोड़ा गांव टाइप का टच दिया है, गांव टाइप का माहौल बनाया हुआ है। खुद मैं गांव से हूँ और मुझे गांव का माहौल जो है वैसे बहुत पसंद है, इसलिए कि वहाँ पे सुकून बहुत ज़्यादा होता है, तो कोशिश कर रहा हूँ इस जगह को भी ज़रा सुकून वाला बनाऊँ। आए, ये मेरा एक दूसरा कमरा है, यहाँ पे जो है हम दोस्त वगैरह शोर शराबा मचाते हैं यहाँ पे। अपने आप को बिजी रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग की वजह से भी जो है वो आप टाइम नहीं दे पाते, लेकिन आजकल बाप का अपनी औलाद को टाइम देना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बेटियाँ भी तो फिलहाल स्कूल गई हुई हैं, साथ में ये बहुत सारी हमारी हिस्ट्री हैं, हर एक पिक्चर के पीछे कोई ना कोई कहानी है। पिक्चरें तो आजकल हर जगह बहुत ज़्यादा आ जाती हैं इंटरनेट वगैरह पे, लेकिन इन पिक्चर्स की अपनी एक स्टोरी है, ये एशिया कप की। वो इंशाल्लाह फिर मैं जब नेक्स्ट टाइम होगा तो हर पिक्चर के ऊपर बात होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ी पिक्चर है, बॉब उलमर जो था हमारा कोच, इंजी भाई कप्तान थे हमारे, बेंगलोर सीरीज़ की हिस्ट्री है बहुत ज़बरदस्त। तो हर तस्वीर के पीछे कोई ना कोई स्टोरी है। चले आए, छोटे छोटे से सुवेनियर्स यहाँ पे भी हैं, हमारे आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ साहब की तरफ से गोल्ड प्लेटेड पिस्टल उन्होंने सुवेनियर के तौर पे दी थी मुझे। ये हमारे प्राउड पाकिस्तान नेवी की तरफ से उन्होंने मुझे, एक इवेंट हुआ था उसमें गया था मैं। ये बहुत यूनिक है, ये हमारे एक दोस्त हैं कर्नल अब्दुल्ला, उनकी तरफ से मिला था, एक बहुत खूबसूरत सुवेनियर है ये।
एंड देन फिर आपको आपको मैं वो चीज दिखाने जा रहा हूँ जो कि मेरा वेपन था वर्ल्ड रिकॉर्ड के हवाले से. जिस बैट से मैंने पहली इनिंग खेली वो आज तक वो बैट मेरे पास मौजूद है और वो बैट हमेशा मेरे करीब रहेगा. बड़ी हिस्ट्री, एक तो ये हिस्ट्री है उसकी कि वो सचिन का बैट था जो कि वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर. और सचिन के बैट से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया मैंने और उसके लिए वकार भाई का थैंक यू कि विकी भाई ने मुझे वो सुबह सुबह वार्म अप जब मैं कर रहा था थ्रो डाउन्स के लिए, जब मुझे पता चला कि मैं बैटिंग ओपन या तीसरे नंबर पर बैटिंग करूँगा तो मैंने कहा जाके ज़रा थोड़ी हिट करूँ. तो वार्म अप करते हुए थ्रो डाउन्स खेलते हुए विकी भाई ने मुझे कहा कि ये सचिन का बैट है, इससे आज मैच खेल के देखो. तो वो बैट आज मैं आपको दिखाने लगा रख लिया खुद ही सही. ये पीछे पड़ा वैसी की वैसी हालत में है जैसे था ये. Saeed Afridi has got the fastest 100 in one day international cricket. It's taken him only 37 balls. Fantastic innings by the young man, considering it's his first knock in one day international cricket. The fastest 100 in one day international cricket. Some achievement for a man playing just his first knock. One of the great innings. He's done the job for his country. मेरा जो था शाहिद अफरीदी को बनाने में इसका बड़ा हाथ है और ये मेरा उस वक्त का वेपन अभी तक है. बीच में खेलने की कोशिश की, मैंने कहा टूट ना जाए इसको रखे रहो संभाल के, इसने जो काम करना था कर दिया था. इस बैट के अलावा कुछ और मेडल्स वगैरह नीचे भी बेसमेंट में भी देखे आप लोगों ने, यहाँ पे भी था एशिया कप रनर अप एंड देन आईसीसी वर्ल्ड टी20 जो हम 2007 में जो हुआ था साउथ अफ्रीका में, जहाँ मिसबा अगर एक शॉट पूरी मार देता ना जीत जाते हैं. मिसबा ने ओवरऑल वैसे बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी उस सीरीज में. एंड देन फिर आईसीसी 2009 वर्ल्ड कप जब यूनुस खान कप्तान था, जब हम जीते थे, ये दो मैन ऑफ द मैचेज हैं मेरे उसके, एक सेमीफाइनल का है और एक फाइनल का है. एंड देन ये लॉर्ड्स की तरफ से मिला था. फिर 2020 बेंसन एंड हेजेस मैन ऑफ द मैच, इस तरह की ये वो मेडल्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी सीरीज के अंदर मुझे मैन ऑफ द मैचेस मिले थे, जिसके लिए जिसको मैंने यहीं पर अपने पास ही लगाया हुआ है. ग्रीनरी मुझे बहुत पसंद है, मुझे गार्डन और डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स शौक है मुझे इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा. इसलिए थोड़ा सा बच्चों के लिए ग्राउंड टाइप का बनाया है कि इसलिए कि बच्चों को एक जगह चाहिए होती है भाग दौड़ की, एक्सरसाइज की भी. और तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं हम लोग, ख़ासतौर पे जो लास्ट कराची का जो वेदर रहा बहुत ज़बरदस्त रहा बारिशों के अंदर. आई नो कि शहर का बहुत बुरा हाल हो गया था लेकिन यहाँ पे एक खूबसूरत सा नज़ारा था, इसलिए कि समंदर पीछे की तरफ है. काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है यहाँ पे करने को, करते हैं बच्चों के साथ प्रोग्राम बनते हैं. तो ये मेरी शाम की स्पेशल जगह है, शाम 5 बजे आपको पता है कराची के इवनिंग्स बहुत स्पेशल होती हैं. तो यहाँ आके बैठ जाता हूँ, चाय फैमिली बच्चों को टाइम यहीं पे देते हैं, यहीं पे उनके साथ झूल लेते हैं. इसलिए कि बच्चों के साथ बच्चा बनना अच्छा लगता है, होना चाहिए, क्यों नहीं. ये एक दोस्त आते हैं, फैमिलीज आते हैं जो उनके लिए एक अलग से पोर्शन बनाया हुआ है, उनके अपनी प्राइवेसी कमरे हैं, उनके लिए हॉल है उनका. मेरा अपना पोर्शन इस तरफ है, मैं और मेरी फैमिली हम लोग इस तरफ होते हैं. एंड देन ये दोस्तों के लिए अपनी फैमिली के साथ आए ताकि उनकी अपनी प्राइवेसी हो. तो खैर ये दोस्तों के लिए बस घर हो, इंसान का घर हो, अपना घर हो, अपनी छत हो, इंसान अच्छा लगता है, इंजॉय करता है उस चीज़ को. ये जो पोर्शन मैं आप लोगों को बाहर से बता रहा था कि फैमिलीज़ के लिए, दोस्तों के लिए कभी भी आएँ कराची बी माई गेस्ट, तो ये किसका अपने एक खूबसूरती इस जगह की. ये पीछे जो मैं बात कर रहा था समंदर साइड पे, यहाँ से बड़ी खूबसूरत बहुत ज़बरदस्त शाम, बड़ी प्यारी हवा चलती है, सनसेट बहुत खूबसूरत नज़र आता है. वो सामने
आपका समंदर है सारा सी है. अब यहाँ पे इन जगहों पे कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं है, इंशाल्लाह शुरू हो जाएगी. बहुत ही पुरसकून जगह है. एंड देन ये दोस्तों के कोई भी दोस्त वगैरह आ गए तो उनके लिए रूम्स वगैरह हैं. मैं दिखा ऐसे रहा हूँ जैसे कि वो होटल दिखा रहा हूँ मैं आपको. ये एक व्यू है बस यहाँ से जो है वो एक अच्छा नज़ारा यहाँ से भी. उम्मीद है कि आप सब लोगों को छोटा सा विजिट गरगा पसंद आया होगा. अल्लाह ताला हम सबको खुश रखे, सलामत रखे. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी जल्दी. बहुत सही लगा और मुझे वो खुद भी काफी डाउन टू अर्थ जिस हिसाब से एक्सप्लेन वगैरह किया ना. बहुत अच्छा, बहुत सुंदर घर और सब अच्छा लगा. वो जर्सीज जो उन्होंने टांग के रखी हुई हैं टेनिस. मुझे पता है क्या सही लगा कि हम लोग जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो हम लोग कितने वायलेंट हो जाते हैं ना. कि नहीं इंडिया इंडिया और वहां लगे होते होंगे पाकिस्तान पाकिस्तान. सो व्हाट आई फील इज कि आपस में इन क्रिकेटर्स की बढ़िया बन रही है और हम ऐसे ही लड़ रहे हैं. हम ऐसे ही हो, हम जीतेंगे, ये होगा वो होगा. तो वो मुझे अच्छा लगा. दूसरी चीज मुझे बहुत अच्छी लगी ये कि वो हर चीज के पीछे ना स्टोरी है. दैट इज व्हाट आई लाइक. चीज है अंदर जस्ट द मतलब ही इज नॉट जस्ट शोकेसिंग द ऑब्जेक्ट्स. ऐसा नहीं हो रहा कि मैं घर दिखा रहा हूँ, ये मेरा बेड है, ये मेरा एसी है. ऐसे नहीं दिखाया उन्होंने. तो मुझे ये अच्छा लगा कि ही हैड अ स्टोरी टू टेल अबाउट एवरीथिंग. वो मुझे अच्छा लगा. बढ़िया लगा, बढ़िया तरीके से बनाया. सो लव्ड इट. सो गाइस दिस वाज आवर रिएक्शन एंड वी रियली होप दैट यू लाइक्ड इट. एंड इफ यू डिड तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को. सो गाइस दिस इज सिद्धू व्लॉग साइनिंग ऑफ. वी लव यू गाइस.